पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, कॉयर इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर सीपीएम के सदस्यों द्वारा गरीबों का पैसा लूट लिया गया है, सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं, इस पाप के लिए कौन जिम्मेवार, इसका क्रेडिट कौन लेगा? कांग्रेस हो या लेफ्ट, ये लोग केरला में मजबूत रहे तो केरला को तबाह करके ही मानेंगे, कुछ भी नहीं बचने देंगे। न इनके काम की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की कोई क्रेडिबिलिटी है। कमल के बटन पर आपका एक एक वोट करप्शन के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को मजबूत करेगा, देश को करप्शन से मुक्ति दिलाएगा। बोलो भारत माता के, बोलो नरेंद्र मोदी के, बोलो भारत माता के। भारत माता की, भारत माता की जय। जय जय पद्मनाभ। तिरुवनंतपुर थे एंटे सहोदरी सहोदर मारे एल्ला वरकुम एंटे नमस्कार। साथियों, केरला का विकास वही पार्टी कर सकती है जिसकी अपनी विश्वसनीयता हो, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो। आप मुझे बताइए, क्या आप कांग्रेस और एलडीएफ पर विश्वास कर सकते हैं क्या? न इनके काम की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की कोई क्रेडिबिलिटी है। ये लोग केरला में आपस में सबसे बड़े दुश्मन की तरह लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेफ दोस्ती बढ़ाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं। यहां केरला में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ ही दूर तिरुनेलवेली में कांग्रेस और लेफ एक ही अलायंस का हिस्सा है। कई दशकों तक सरकार चलाने के बाद भी इनके पास गिनाने के लिए अपने काम नहीं है। ये जनता के बीच में जाते हैं और झूठ बोलकर केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रेडिट खाने का प्रयास करते हैं। यहां तो बारी बारी से यूडीएफ एलडीएफ की सरकार रही है। मैं इनका रिपोर्ट कार्ड आपको बताता हूं। आज केरला में वर्कला और नेडुमंगल जैसी जगहों में ड्रग्स का खुला कारोबार फैल रहा है, ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, केरला के युवाओं का भविष्य खत्म किया जा रहा है। इसका क्रेडिट किसका है? ये पाप के लिए जिम्मेवार कौन है? आज केरला के कई हिस्सों में पानी का संकट पैदा हो चुका है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस पाप के लिए कौन जिम्मेवार? इसका क्रेडिट किसको जाता है? आज केरला की कॉयर इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर है। कॉयर इंडस्ट्री के वर्कर्स के आगे जीवन यापन का संकट है। इस पाप के लिए कौन जिम्मेवार? इसका क्रेडिट कौन लेगा? साथियों, पहले कांग्रेस और अब एलडीएफ की सरकारों ने केरला को अपनी लूट और भ्रष्टाचार के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। एक ऐसी सरकार है जिस पर खुद गोल्ड स्मगलिंग में संलिप्त होने,
स्मगलर्स को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं। गोल्ड स्मगलिंग स्कैम में अपराधियों को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। केरला में 300 से ज्यादा, मैं बहुत गंभीरता से बात बता रहा हूं, 300 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक है और इनके पास केरला के गरीबों के, केरल के मध्यम वर्ग के लोगों के करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपी जमा है। इन 300 बैंक में 1,00,000 करोड़ रुपया आप लोगों का जमा है। सीपीएम के करप्शन की वजह से ये पैसा खतरे में पड़ा हुआ है। कितने ही कोऑपरेटिव बैंकों में सीपीएम के सदस्यों द्वारा गरीबों का पैसा लूट लिया गया है। केरला में इन स्कैम्स की वजह से हजारों परिवारों का जीवन दांव पर लग गया है। यहां सीपीएम के मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जो सख्ती से इस केस की जांच करवा रहा है। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ रुपीज की संपत्ति अटैच हो गई है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिन गरीबों ने बैंकों में पैसा रखा था और जिन लोगों का बैंकों में पैसा डूबा है, इनकी संपत्ति जब्त करके मैं वो पैसे इन गरीबों को वापस कैसे दूं, इस पर मैं काम कर रहा हूं। बीजेपी सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपीज ऐसे जो स्कैम पीड़ित लोग थे उनको वापस दे चुका हूं मैं। इसलिए मैं कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को भरोसा देता हूं कि उनका पैसा वापस दिलाने में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और पाई पाई उनसे निकलवा के रहूंगा और आपको पैसा वापस मिले इसके लिए पूरी ताकत खपा दूंगा। साथियों, खुली लूट के कारण केरला आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं। कांग्रेस हो या लेफ्ट, ये लोग केरला में मजबूत रहे तो केरला को तबाह करके ही मानेंगे, कुछ भी नहीं बचने देंगे। साथियों, पिछले 10 ईयर्स में मैंने देश में ईमानदार सरकार चलाकर दिखाई है। हमारी सरकार ने करप्शन पर भी कड़ी कार्रवाई की है। इसलिए ये करप्ट लोग मोदी को रोकने के लिए अलायंस बना रहे हैं, लेकिन मोदी इनसे डरने वाला नहीं है। 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को कमल के बटन पर आपका एक एक वोट करप्शन के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को मजबूत करेगा, देश को करप्शन से मुक्ति दिलाएगा। आप पर एक और जिम्मेदारी मेरी तरफ से है। आप केरला के घर घर जाकर के मोदी जी के प्रणाम जरूर पहुंचाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। पूरी ताकत से बोलिए, आप नहीं बोलोगे तो चलेगा। भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।